22वें तीर्थंकर की ये है कहानी। गिरनार पर्वत पर जिन्होंने संयम था पाया, उग्र तप कर नेम राजुल ने केवल ज्ञान था पाया। ऐसी नेम राजुल की अमर कहानी लेकर आ रहे हैं हमारे जैन महिला मंडल। नेम राजुल की कहानी बाय जैन महिला मंडल। सकल जैन संघ और युवाचार्य ग्रुप द्वारा आज सुबह टू व्हीलर रैली का आयोजन किया था, जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ही देर में यहाँ पे इस प्रांगण में होगा। सभी इसका ध्यान रखें। और 30 प्राइजेस निकाले हैं इस रैली में से। बहुत ही शानदार रैली सुबह यहाँ पे हुई युवाचार्य ग्रुप द्वारा। सभी को जय जिनेंद्र। आज हम आप लोगों को जैन महिला मंडल नेम और राजुल की अमर गाथा ये नाटिका दिखाने जा रहे हैं। आओ सुनाए तुमको एक कहानी, एक तने में एक तिराजुल रानी। आओ सुनाए तुमको एक कहानी, एक तने में एक तिराजुल रानी। आठ भवों की प्रीत पुरानी, आठ भवों की प्रीत पुरानी। नवे भव में टूटी प्रेम की डोरी, नवे भव में टूटी प्रेम की डोरी। पहला दृश्य, एक बार नेम कुआं घूमते घूमते कृष्ण वासुदेव की आयुषशाला की ओर आते हैं। ओह, यह सुदर्शन चक्र तो कितना प्रकाशमान है, और यह पांचन्य शंख। रुकिए कुमार, आप इस शंख को नहीं उठा सकते। इसे फूकने की शक्ति सिर्फ कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण में ही है। चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ है या इंद्र का प्रकोप? मिमी, क्या तुमने ये शंखनाद किया? जी भ्राताश्री। मिमी, मैं अब तक तुम्हारी शक्ति से अधिक था। मैं स्वयं तुम्हारी शक्ति देखना चाहता हूँ। मिमी, मैं अब तक तुम्हारी शक्ति से अधिक था। मैं स्वयं तुम्हारी शक्ति देखना चाहता हूँ। कहो बंधु, शस्त्र से परीक्षा दोगे या मल्ल युद्ध? बाहु झुकाने से भी काम हो जाएगा भ्राताश्री। ठीक है, मैं अपनी बाहु लंबी करता हूँ, तुम इसे झुका कर दिखाओ। नेमी कुंवर ने एक झटके में जैसे पेड़ की डाल झुकाते हैं, वैसे कृष्ण की बाहु को झुका दिया। लेकिन कृष्ण नेमी की बाहु को झुका नहीं सके। वो उदास मन लेकर अपने महल में चले जाते हैं। इधर रुक्मणी और सत्यभामा दोनों नेमी के विवाह की बातें कर रही हैं। देखो देवर जी,
के व्यर्थ की बातें छोड़ दो और सरलता से विवाह के लिए हाँ कर दो। हाँ हाँ देवर जी, अब मान भी जाओ और हमारे लिए देवरानी ला लो। हाँ हाँ, ये अवश्य विवाह करेंगे, परंतु इनके अनुरूप कोई सुंदर गुणवती राजकुमारी का चयन तो कर लो। सर्वोत्तम सुंदरी है मेरी बहन राजीमती, ऐसी सुंदर राजकुमारी खोजने पर भी नहीं मिलेगी। सत्य कहा सत्य भामा, परंतु व्यवहार में तो तुम्हारी तरह नहीं ना। चलो हटो, कर देना ग्वालो वाली बात। अगला दृश्य, श्री कृष्ण विवाह का प्रस्ताव लेकर मथुरा जाते हैं। जय जिनेन्द्र। आइए आइए श्री कृष्ण जी, कहिए द्वारिका में सब कुशल मंगल जी? और किस प्रयोजन से आना हुआ? महाराज, मैं आपकी पुत्री राजीमती के लिए अपने भाई नेम कुंवर के विवाह प्रस्ताव के लिए आया हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर विवाह मथुरा में ही होगा? अवश्य, जैसी आपकी इच्छा। दोनों तरफ विवाह की तैयारियां होने लगी, मंडप सोरन सजने लगे और मंगल गीत गाए जाने लगे। शुभ मुहूर्त में धूमधाम से द्वारिका नगरी से बारात निकलती है। अपनी सखियों से घिरी हुई बैठी है, कोई मेहंदी लगा रही, कोई शार श्रृंगार कर रही है, तो कोई गहने पहना रही है। इतने में बारात की वाद्य ध्वनि उनके कानों में पड़ती है। सखी, लगता है बारात आ गई। हाँ सखी, जल्दी चलो, ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं। सखी राजीमती, तुम भी तो देखना चाहोगे अपने आने वाले पति को क्या? सखियों, तुम भी ना। जैसे ही राजीमती जाने के लिए लगती है, उसकी दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। आज अचानक इस शुभ बेला में मेरी दाहिनी आंख और भुजा का फड़कना, हे भगवान, कहीं कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला है? अचानक राजीमती की प्रसन्नता उदासी में बदल गई। उसे चिंता मग्न देखकर सखिया उसकी उदासी का कारण पूछने लगी। सखी, क्या हुआ? तुम्हारा मुखीचंद अचानक उदास क्यों हो गया? अभी अभी तो तुम बहुत प्रसन्न थी। सखी, आज मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है, ये कहीं आने वाले बड़े संकट का संकेत तो नहीं? इधर बारात चलते चलते एक विशाल बाड़े के सामने रुकती है। वहाँ पर नेमी पानी दृष्टि पिंजरे में बंद पशु पक्षियों पर पड़ती है। सभी प्राणी चित्कार कर रहे थे। साथी, इन पशुओं को बंदी क्यों बनाया गया है? स्वामी, ये सभी प्राणी आपके बारात के भोजन के लिए लाए हैं, इसीलिए ये मृत्यु भय से चित्कार कर रहे हैं। स्वामी, साथी, रथ को बाड़े की ओर ले चलो और सभी पशुओं को बंधन मुक्त कर दो। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों की हत्या, धिक्कार है ऐसे विवाह को, नहीं करना मुझे ऐसा विवाह। चलो यहाँ से। सभी उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न करते हैं। विवाह किए तो नहीं जा सकते? नहीं भ्राता श्री। सखी, लगता है बारात लौट गई। क्या सखी, तुम क्या कह रही हो? यह सुनकर राजीमती कटी लता की तरह भूमि पर गिर पड़ती है। सखियों द्वारा शीतल जल के छींटे देने पर उसकी मूर्छा टूटते ही वो विलाप करने लगती है। आज
अब मैं भी उसी पथ पर चलूंगी जिस पथ मेरे नाथ गए हैं। राजमती अपने पति के पद चिन्हों पर चलकर गिरनार पहुंचती है और दीक्षा ग्रहण करके भगवान अरिष्ट नेमी जी के पहले मोक्ष पहुंचती है। भगवान